तो हाय गाइस, हमारे पास जो डिवाइस है ये है डिवाइस वीवो Y01। अगर आपके पास भी सेम डिवाइस है और उसमें अगर FRP लॉक, गूगल लॉक या फिर आप जो है गूगल आईडी लॉक लगा के भूल गए हैं, गलती से रिसेट मरा गया है या रिसेट हो गया है, उसके बाद आप मोबाइल को सेटअप नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए गाइस। ठीक है, जैसे जैसे मैं करूँगा सेम टू सेम आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर वाईफाई ऐड कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको वेरीफाई और पैटर्न बोला जा रहा है। आपको यानी अपना पुराना पैटर्न कुछ भी याद नहीं है, अपना जीमेल का भी आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा। यहाँ पर अगर आपको अपना जीमेल याद होगा तो अपने पुराने जीमेल से या पासवर्ड से भी आगे बढ़ सकते हैं। वेरीफाई और अकाउंट बोला जा रहा है आपको, तो इन दोनों में से आपको कुछ भी याद नहीं है तो ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप वॉल्यूम अप डाउन जो देख रहे हैं इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखिए। उसके बाद देखिए टर्न ऑन टॉल पे का ऑप्शन आएगा, उसको टर्न ऑन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से वॉल्यूम अप डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद जो फाइनली आपको यहाँ पर टॉल बैक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको उल्टा एल बनाना, ठीक है, उल्टा एल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उल्टा एल आपको बनाना है। किसी का एक बार में हो जाता है, किसी का दो बार में, आपको यहाँ पर उल्टा एल बनाना है। ओके, उसको देखिए यहाँ पर डबल टैप करना है, यूज़ आपको यहाँ पर कमांड देना पड़ेगा, हे गूगल असिस्टेंट, फिर से यूज़ वॉइस कमांड, हे गूगल असिस्टेंट। ठीक है गाइस, ओपन सेटिंग, थोड़ा सा नेट मेरा शायद स्लो है, ठीक है, बीच में आपका स्पीकर का ऑप्शन है, फिर से अगर फिर से नहीं ले रहा तो फिर से आपको यहाँ पर वॉइस कमांड देना होगा, ओपन सेटिंग। ओके दोस्तों, देख सकते हैं हमारी फाइनल जो है यहाँ पर ओपन हो गई है सेटिंग। हमको फिर से उन्हीं वॉल्यूम अप डाउन को लॉन्ग प्रेस करके टोल बैक को ऑफ कर देना। ओके, यहाँ सिस्टम में आना, यहाँ देखिए सिस्टम पे आना है। उसके बाद गाइस हमको यहाँ पे रिसेट ऑप्शन का ऑप्शन दिखेगा, रिसेट पे आना है। उसके बाद हमको रिसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर से ऑल पे क्लिक करना है, फिर से ऑल पे क्लिक करना। ओके, तो देख सकते हैं फाइनली हमारे डिवाइस जो यहाँ पर रिसेट मोड में चला गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लीजिएगा और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, परफेक्ट मोबाइल टीम यूट्यूब चैनल। ओके गाइज, हम लोग काफ़ी आप लोग के लिए जो है ना बेहतर वीडियोस बनाते हैं, 100% जेन्युइन वीडियो बनाते हैं। ठीक है, फेक वीडियोस हम लोग नहीं बनाते, हम लोग जो वीडियो के कमेंट को भी बंद नहीं करते, ध्यान से देखिए। देखिए फिर से जैसे हमारा फोन ऑन होगा, फिर से हम यहाँ पर अपना वाईफाई ऐड करेंगे, फिर से सेम टू सेम करेंगे वैसा ही जैसा किए थे। ओके, थोड़ा सा इस अलग है, पूरा सेटअप करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सिम कार्ड फिर से लगा लेना या तो वाईफाई ऐड कर लेना। ठीक है, तो मेरे पास वाईफाई है तो मैं फिर से अपना वाईफाई ऐड कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना यहाँ पर वाईफाई ऐड कर लिया, देख सकते हैं। अब फिर से मैं उन्हीं वॉल्यूम अप डाउन को लॉन्ग प्रेस करूँगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर एसेसिबिलिटी में आना, उसके बाद टोल बैक सेट में आना, उसको सिलेक्ट टू टोल बैक पर आना है, फिर से यहाँ पर अलाउ कर देना। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टोल बैक आपको नीचे में दिख रहा है, यहाँ पे भी आप ऑन कर सकते हैं या वॉल्यूम अप डाउन से भी ऑन कर सकते हैं। तो यहीं से ऑन कर लिया मैंने, फिर से यहाँ पे एल बनाना जैसे हम बनाए थे, फिर से एल बनाना है। ठीक है, फिर से एल बनाना, दो तीन बार ट्राई करिए, ज़रूर होगा। देखिए फिर से यहाँ पर यूज़ वॉइस कमांड देना है, हे गूगल असिस्टेंट, ओपन सेटिंग। फिर से हमारा ओपन हो गया, फिर से हम यहाँ से टोल बैक को सस्पेंड कर देते हैं, वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करके लॉन्ग। ओके, देख सकते हैं हमारा यहाँ पर, देखिए हमारा वॉल्यूम यहाँ से जो है टोल बैक फिलहाल सस्पेंड नहीं होगा। तो क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पर दो उंगली को प्रयोग कर देना फिलहाल। ठीक है, देखिए दो उंगली। ओके, आप देख लीजिएगा अगर आपका बंद हो जाए तो। यहाँ पर शॉर्टकट एसेसिबिलिटी में आना है, उसके बाद हमको यहाँ पर आना है एसेसिबिलिटी में आना है, उसके बाद यहाँ पर टोल बैक हमको देखना कहाँ पर है, टोल बैक सबसे नीचे हाथ यहाँ दिख रहा है। टोल बैक में आने के बाद हमको यहाँ पर टोल बैक को बंद कर देना। ओके, तो देख सकते हैं हमारे टोल बैक जो यहाँ से बंद हो गई। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। ओके, मिस नहीं करिएगा आप। यहाँ पर हमको आना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में आना है, सी ऑल वाईफाई में आना है। यहाँ पर दोस्तों हमको यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सो सिस्टम पर आना है। सो सिस्टम पर आने के बाद यूट्यूब पर आना है, परमिशन पे आना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे में देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, नोटिफिकेशन में आना है, एडिशनल सेटिंग पे आना है, एडिशनल, उसके बाद यहाँ पे आना है अबाउट में, उसके बाद टर्म ऑफ सर्विस में आना। ओके, उसके बाद क्रोम ब्राउज़र या फिर यूट्यूब वीवो ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है हम लोग को। उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट पर साइन करना है। उसके बाद गाइस हमको यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन करना है, बहुत ईजी मेथड आपके लिए हम लोग बनाते रहते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी मेथड है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर सर्च करना है एडरूम, AddRoom। ओके, एडरूम पे हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एडरूम पे सेलेक्ट करने के बाद जो हम लोग यहाँ पर एडरूम की वेबसाइट खुल जाएगी। थोड़ा सा मेरा वाईफाई स्लो है, होता है कभी कभार। ओके, मेरा जैसे एडरूम की वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तीसरे या चौथे नंबर को कहीं दिखेगी स्क्रीन स्मार्ट लॉक, उसी पर प्रेस करना। ओके,
फिर से प्रेस करना है, एलाओ पे क्लिक करना है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर ही हमारी पैटर्न का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर पहले से पैटर्न लगा हुआ तो मैं यहाँ पर पिन ट्राई करूँगा। ओके, इस डिवाइस में पहले से पैटर्न लगा हुआ तो मैं पिन डिवाइस पिन जो है इसमें अप्लाई कर, देख सकते हैं मेरा जो पिन यहाँ पर जो है नया पिन यहाँ पर क्रिएट हो गया। ओके, अब मैं यहाँ से अब मैं इसको चेक कर लूँगा स्क्रीन लॉक देखे। ओके, कि मेरा स्क्रीन काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो पहले देख सकते थे गाइस इसमें जो है ना पैटर्न लगा हुआ, तो मैं यहाँ पर पिन आपको लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि दोस्तों वीडियो जो बिल्कुल जेन्युइन है। ओके, तो पूरा हमको यहाँ से बैक आ जाना है, पूरा 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 का पूरा बैक आना है। स्टार्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब पूरे प्रोसेस में ध्यान रहे गाइस, आपको यहाँ पर वाईफाई का ऐड जो है होना चाहिए, इंटरनेट है इसमें कनेक्ट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे या गेटिंग योर फोन बोला जा रहा है, गेटिंग योर फोन इज़ रेडी। ओके, तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा उसको आप चेक कर रहा है वो प्रस। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर डाउन कॉपी में क्लिक करना है। जैसे डाउन कॉपी में क्लिक करिएगा फिर से थोड़ा सा समय बोलेगा या जस्ट अ सेकेंड, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर फिर से वेट कर लीजिए। ओके, आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर पिन बनाया था उस पिन को हमको यहाँ पर फिल कर देना। ओके, फिल कर देना है, उसको भी चेकिंग इन्फो बोला जा रहा है, उसको भी चेक कर रहा वो कि पिन जो हमने डाला वो सही डाला कि नहीं। ओके, तो हमारी जो पिन है हमने सही डाला बिल्कुल, तो अब हमारा फ़ोन को जो है स्किप का ऑप्शन आ गया जीमेल का। ओके, पहले स्किप का ऑप्शन नहीं आता था, तो हमारी फ़ोन जो है यहाँ पर प्रॉपर FRP बाईपास हो गई है। तो ऐसी और हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर हम जो फटाफट आपको यहाँ पर सेटअप करके दिखा देते हैं। ओके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी और हेल्पफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपका जो है काफ़ी काम आने वाला हमारी ये वीडियोज़। ओके, देखिए यहाँ पर फिर से हम जो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो जो आप जैसे नॉर्मली कोई फ़ोन सेटअप करते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखे आ गया, जैसे नॉर्मली कोई फ़ोन सेटअप करते हैं आप इसको यहाँ से सेटअप कर लेते हैं, सेटअप हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल ये वीवो की Y01 है, ठीक है, Y01, ठीक है, इसकी प्रॉपर FRP बाईपास मैंने करके आपको दिखा दिया विदाउट PC।